أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بارو جمال آهي امید آهي تمام سب پہلے گھر میں خیر خواہ ہوں دو ماں آج ایک نو سبق سا حاضر آیا بچوں آج ہم کر رہے ہیں قواعد جرگم قواعد کسے کہتے ہیں گرامر کو کہتے ہیں تو آج ہم صدیق گرامر پر کام کر رہے ہیں بچوں کیا آپ ہفتے کے دنوں کے نام جانتے ہیں بالکل جانتے ہوں گے کون کون سے ہیں پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ کیا آپ سندھی میں جانتے ہیں ہفتے کے دنوں کے نام जी आज हम अपनी क्लास में सिंधी में हफ्ते के दिनों के नाम सीख रहे हैं तो क्या कहेंगे हम इसे क्या कहेंगे हफ्ते जा डी जा नाला बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है हफ्ते जा डी जा नाला उर्दू में भी लिखे हुए पीर मंगल बुध जुमरात जुमा हफ्ता इतवार अब इसको सिंधी में सीखते हैं कि क्या कहते हैं पीर को सिंधी में कहते हैं सूमर मंगल को कहते हैं अंगारो बुध को कहते हैं अरबा जुमरात को कहते हैं खमीस जुमे को कहते हैं जुमों हफ्ते को कहते हैं छंछर इतवार को कहते हैं आचर एक बार फिर सिंधी में दोहरा लेते हैं सुमर अंगारो अरबा खनीस जुमो छंछर आचर जी बच्चों कवाई जो काम में हम अगला काम करने जा रहे हैं बोर्ड पर आपको चार्ट नजर आ रहा होगा और क्या नजर है क्या लिखा है इसके अंदर वाहिद जमा मौजूद है लफ्ज जिद मौजूद है और मुजक्कर मुअन्नस मौजूद है यानी कि आज हम कवायद कम में इन तीनों का काम करेंगे आइए इस चार्ट को पढ़ते हैं बच्चों वाहिद जमा किसे कहते हैं वाहिद किसी एक चीज को वाहिद कहा जाता है लेकिन एक से ज्यादा चीजें क्या कहलाती हैं जमा कहलाती हैं तो आइए चार्ट पर वाहिद जमा सीखते हैं वाहिद देखिए ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ नजर आ रहा है जब उसकी जमा ब्लू मार्कर से लिखी हुई नजर आ रही है तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में क्या है सोनो वाहिद है उसकी जमा क्या है सोना घोड़ो उसकी जमा क्या है घोड़ा भिगो उसकी जमा क्या है भिग्गा सियाणो उसकी जमा क्या है सियाणा जाओ उसकी जमा क्या है जावा राणी राणियों मौसम मौसमून कपड़ों कपड़ा खुशी खुशियों झट झिटकियों अब इसी चार्ट पर आपको एक और कॉलम नजर आ रहा होगा लफ्ज़िद का लफ्ज़िद क्या होते हैं एक दूसरे के उलट मायने तो लफ्ज़िद सीखते हैं कदीम कदीम की जिद क्या होगी जदीद अव्वल उसकी जिद क्या होगी आखिर दुश्मन उसकी जिद क्या होगी दोस्त नंडा उसकी जिद क्या होगी वड्डा जीत उसकी जिद क्या है हार झोनो इसकी जिद क्या है जदीद सुठो इसकी जिद क्या है खराब असल जिद है नकल बहार इसकी जिद है सरू हलाल इसकी जिद है हराम इसी चार्ट पर आपको मुजक्का मुअन्नस भी नजर आ रहे होंगे मुजक्का मुअन्नस जानते हैं ना किसे कहते हैं ठीक है मुजक्का मुअन्नस पढ़ते मुजक्कर क्या है पुट उसकी मुअन्नस क्या होगी धी मासर मुअन्नस क्या होगी मासी उठ इसकी मुअन्नस क्या होगी दाची नानो इसकी मुअन्नस क्या होगी नानी मामू इसकी मुअन्नस होगी मामी बिल्लो मुअन्नस बिल्ली घूड़ो घूड़ो की मुअन्नस क्या होगी पूड़ी शायर शायरियानी इसकी मुअन्नस है हिरण इसकी मौनस क्या होगी हिरणी बकरो इसकी मौनस क्या होगी बकरी बच्चों आज कवायद के काम में हमने हफ्ते जा डी जा नाला सीखे और अल्फाज ज़ेद मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा सीखे ये तमाम काम आपको पीडीएफ के जरिए मिल जाएगा ये तमाम काम अपनी कॉपी पर आप लिख लेंगे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से अब आपसे इजाजत चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़